नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत भारती और मेरे साथ आशीष नौटियाल हैं, जिनसे आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। आज हम लोग न्यूज रूम से चर्चा के इस सेगमेंट में बात करेंगे दक्षिण पंथ और वाम पंथ की, ये होता क्या है और अभी अचानक से दोबारा चर्चा में, खासकर मोदी की जीत के बाद कैसे आ गया है। तो हाल ही में आशीष ने एक आर्टिकल लिखा है, इसमें बहुत लंबा सा, जो आप हमारी वेबसाइट hindi.ofindia.com पे जाकर पढ़ भी सकते हैं, और उसी पे हम लोग उसी आर्टिकल को बेस बनाकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आशीष ये बताइए कि अभी ये मुद्दा जो है, ये वामपंथ और दक्षिण पंथ का जो आ रहा है, खासकर राष्ट्रवाद के संदर्भ में, वो है क्या, आप इसे कैसे देखते हैं? तो आगे हम लोग इस पे बात करेंगे कि वामपंथ दक्षिण पंथ क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, और ये कहां से शुरू होता है, और आजकल राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को किस तरह से देखा जाता है। तो आशीष, शुरू से आप बताइए कि आप ये जो लिबरल लेफ्टिस्ट और ये सब पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ, उन्होंने इस चुनाव के बाद जो फिर से डिबेट चली है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये राष्ट्रवाद और वामपंथ दक्षिणपंथ की चर्चा जो है, ये चुनाव के बाद से बड़ी है, या ये कहें कि शायद हम लोगों ने गौर करना ही चुनाव के बाद शुरू किया, या दक्षिण पंथ और जो वामपंथ से कम ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को शायद पहली बार मौका मिला है कि वो इस बात पर खुल के बात कर सकें और उन्हें गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि वामपंथ ने उसी उग्रता से इन विचारधाराओं का दमन किया जिसके खिलाफ वो खुद को बताया करते थे, कभी जिसके विरुद्ध उन्होंने खुद को बताया कि हाँ इस तरह से उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया, डोमिनेट करने की प्रवृत्ति रहती है। और इनका पूरा का पूरा अगर बेस ही देखा जाए तो किसी भी तरह के डोमिनेंस के ये खिलाफ है। ये तो गरीबी तक को बताते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। तो ये जिस तरह की वायलेंस बाकी की विचारधाराओं पे लील गए हैं उन्हें, इनके लिए ये स्वीकारना, आपने ही लिखा है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए स्वीकारना कि इनके परे भी, इनसे अलग भी कोई विचारधारा है और वो विचारधारा शायद इनसे बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, ये असल में विचारधारा कम और आज के टाइम में प्रोपेगेंडा और नैरेटिव ज्यादा बन के रह गया है। क्योंकि अगर देखें तो प्रोपेगेंडा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो आप जैसा नहीं है उसको बिल्कुल नकार दें, उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए। और वामपंथ की अगर हम शुरुआत से लेकर आज तक देखें तो उन्होंने वो इस काम को बिल्कुल पवित्र समझते हैं, जो उनकी जैसा नहीं है, जो उनसे सम्मत नहीं होता है, वो उसके अस्तित्व तक को नकार देने को भी जायज ठहराते हैं। नकारते ही नहीं, मुझे तो लगता है वो अटैक करके सही में उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है कि उनके साथ जो है पूरा गिरोह जो है उठ खड़ा होता है लगातार। मतलब उसी तरह की बात पे अगर इनके गिरोह का कोई है तो वो चुप रहते हैं या उसको इनफैक्ट वो ग्लोरीफाई करते हैं, और सेम बात विरोधी बोलेंगे तो फिर ये वार्ड वापसी हो जाता है, फिर संघी हो तुम और फलाना ढिमकाना। इसी उदाहरण को अगर हम लें तो वामपंथ ने अपना संघर्ष असल में अभिजातीयता के खिलाफ बताया था, बुजुर्गवा और सर्वहारा के विरुद्ध बताया था, लेकिन आज के टाइम देखें तो इसी वामपंथ ने, जो लगभग वामपंथ है या नहीं वो क्या है, शायद यही वास्तविक वामपंथ है, इन्होंने अपने जैसे न दिखने बोलने वाले को अनपढ़ बताया, उसे कहा कि ये गंवार है, उसे कहा ये इसे कोई रूढ़िवादी है, इसे विषयों की परख नहीं है, इसे चर्चा तक का अधिकार छीन लेना चाहिए। ये ऐसा ही जैसे मुझे गांव का एक समय याद आता है बचपन का, जब पड़ोस में कोई तेज रेडियो चला रहा होता था और आप उसे कहते थे कि आप उसे कम कर दीजिए, तो वो ये नहीं कहता था कि हाँ तुम्हारी बात सही से असुविधा हो रही है, वो कहता था कि तुम मेरी तरक्की से जल रहे हो। तो आज का जो नव वामपंथ है, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद पे भी अभी हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रवाद पे या दक्षिणपंथ से डरा हुआ है, ये अपने आप को समेटता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये डिफेंस में और ज्यादा उग्र होगा और ज्यादा दूसरी विचारधारा के दमन के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात आपने लिखा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि जो भी भाजपा समर्थक है वो दक्षिणपंथी है, जबकि ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि भाजपा समर्थकों में भी कई पगलेट टाइप के लोग हैं जो तमाम तरह की बातें करते हैं। जैसे कि मैं अगर भाजपा समर्थक हूँ तो मेरा समर्थन जो है, जो गाय काट रहे हैं या उसको मारते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, उन लोगों को मेरा समर्थन कभी नहीं रहा। मुझे इस बात के लिए कठुआ के रेपिस्टों का मैं समर्थन नहीं करूंगा या चुप नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि वो हिंदू है, जबकि मैं भाजपा का समर्थक भी अपने आप को मानता हूँ। तो ये जो है, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या हरेक भाजपा समर्थक दक्षिणपंथी है? ये असल में
हर भाजपा समर्थक को दक्षिणपंथी बताना कुछ कुटिल विचारकों की नेहरूवादी सभ्यता के दौरान जिन विचारकों ने जन्म लिया, जिनका उदय हुआ था, ये उनका बनाया हुआ बहुत ही विकसित प्रोपेगेंडा है। ये बताता है कि इनमें अंतर होने ही ना दिया जाए, वो समझ ही ना पाए कि इनके बीच में अंतर है, वो बताते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे हमारी दक्षिणपंथी की छवि इस तरह से बनती है कि उसने आवश्यक रूप से जनेऊ पहना हो, उसने त्रिकोण धारण किया हुआ, उसके बिना वो दक्षिणपंथी नहीं है, वो धोती कुर्ता में पहनता और हो सके तो वो अशिक्षित हो, ये वामपंथ नहीं, ये गड़ा गया है। और आज नहीं, उसने शिक्षा ली भी है तो उसे तो वही खारिज ही ऐसे ही करते हैं कि तुम अनपढ़ हो। जो जेएनयू के चेपुर सब जब डिबेट करने आपसे आएंगे, आप उन्हें जब तर्कों से हराने लगते हैं तो बोलते हैं अरे थोड़ा पढ़ के आओ। अगर काहे पढ़ के आए, तुम होते कौन हो ये सर्टिफिकेशन देने वाले, तुम मतलब जेएनयू में चले गए, तुम वामपंथी हो तो तुम दूसरों पे ये अपने आप अपना एजेंडा पुश करना या अपने आप को स्वतः ही ये मानते हैं कि मैं तो हायर पेडेस्टल पे हूँ, ये लोग तो नीच अधम है। बताते ये लोग खुद को कि हमारा संघर्ष पूंजीवादियों से, हमारा संघर्ष अभिजातियों से, लेकिन जब यही उन्हें रियल लाइफ में उनके पास 5 सेकंड आप बैठिए तो नंगी सामने आती है, पता चलता है ये तो सोशल मीडिया, ये तो कीवर्ड्स में कुछ और बात है और सामने पड़ती हुई कुछ और बात है, तो इस तरह की बातें हैं। अच्छा, आपने आगे लिखा है एक बहुत ही अच्छी सी बात है जो कि दक्षिण पंथ की पहली लड़ाई अपने समर्थकों से, तो ये लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? इसके पीछे हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कई बार एक तो इतिहास में बचकाना, छेड़खानियां करना, वो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए हम दूसरे को, हमें वामपंथ होने से बचना है। असल में दक्षिण पंथ बहुत ज्यादा रीजनेबल चीज हो सकती है, बहुत तार्किक चीज तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और हम अगर हम वामपंथ होने से बच सकें, अगर हम कांग्रेस होने से बच सकें, और असल में उनकी बुराइयों से होने से बचना है, तो ये वही है कि कुछ बुराइयां जैसे आपने लिखे कि जबरदस्ती किसी से वंदे मातरम करना, वंदे बिल्कुल सड़क में चलते हम किसी से ये नहीं कह सकते हैं कि तो, वो बिल्कुल उसका अधिकार है, वो बोलना चाहता है नहीं, वो तो आपको तब पता चल रहा है ना कि ये इसे परेशानी है बोलने, लेकिन हाँ लेकिन हम चाहिए आधार नहीं पकड़ सकते हैं, वही इसका आधार नहीं होना चाहिए, तो वंदे मातरम करें तभी तुम राष्ट्रवादी होने के कारण हम वंदे मातरम करते हैं, लेकिन वंदे मातरम या जनगण मन है इसके लिए एक स्वतः भीतर से आनी चाहिए कि नहीं ये देश है और हम इस देश के नागरिक हैं और इस आजादी को पाने में या जहां तक हम लोग पहुंचे हैं बहुत लोगों का योगदान रहा, तो उनके सम्मान में हम खड़े होते हैं। ये किसी गीत को राष्ट्रगीत कह दिया गया, राष्ट्रगान कह दिया गया, उसके कारण खड़े नहीं होते, साबित करके हम यही दिखाते हैं कि कई बार ये तो उसी तरह हो गया कि किसी को राम राम नाम के नारों से परेशानी हो रही है। हाँ। और हम फिर वही करें तो इस तरह का हमें एक अंतर बना के चलना होगा। दूसरा संघर्ष हमारा ये है कि गाय के नाम पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें बहुत ही संवेदनशील बन चुके हैं। मैंने देखा है कि इसका फायदा असल में कौन लोग उठा रहे हैं, इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो इस नैरेटिव को तैयार कर चुके हैं, विकसित कर चुके हैं। और आज के टाइम ये हो रहा है कि कमलनाथ गौभक्त, कमलनाथ सरकार के अंदर में कुछ होता है, सबसे पहले गौभक्तों के नाम पर दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादियों का नाम जोड़ दिया जाता है, कहा जाता है गौभक्त ऐसा ही करते हैं, सरकार किसी की भी हो सबसे पहले मोदी को टारगेट कर दिया जाता है, लेना एक ना देना दो, तो ये इस तरह की खामियां जो भुगतने होते हैं अगर हम बहुत सावधान नहीं है अपने विषयों के बारे में। सावधान क्या हम शायद है ही नहीं, क्योंकि पिछले 5 सालों में पूरा का पूरा जो चाहे भाजपा का समर्थक ग्रुप रहा हो या जो अपने आप को दक्षिण पर, वो इन्हीं तरह की बातों पे घेरे गए हैं। जैसे हाल ही में कहा कि फलाना आदमी ने भगवा रंग का टी शर्ट पहन रखा था, वो किसी को पीट रहा ध्रुवराठी, हाँ उसको ध्रुवराठी जैसे लंपट लोग जो है बैठे रहते हैं, सीधा कह देते हैं कि ये जो है ये दक्षिण पंथी और मोदी समर्थक भाई, उसको और इस तरह से प्ले किया जाता है जैसे अमित शाह ने उसको पर्सनली फोन किया हुआ तुम रहना, और क्या वो इतना मूर्ख है कि वो नमो अगेन का टी शर्ट पहन के मारने जाए, मतलब मुझे तो नहीं लगता है। ये धूर्तता है वामपंथियों की, और कई बार इन्होंने ऐसा किया है जैसे आम आदमी पार्टी समर्थक खुद ही थप्पड़ मार देता है केजरीवाल को और बाद में क्लेम करता है भाजपा वाले ने मारा, ये सब उसी के नुकसान है। और ये उदाहरण वही है, मैंने इसी लेख में आगे भी लिखा है कि एसी कमरों में बैठकर हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि भीड़ का पंथ क्या है, भीड़ की विचारधारा क्या है, हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं, जबकि जब हम खुद उस भीड़ के बीच में होते हैं तो हम भी उतने ही शोषित हो सकते हैं, हो सकता है हम ही वो शोषण करने वाले हो जाएं, तो हम कहीं पर बैठ करके दूर से तय नहीं कर सकते वो भक्त है, वो राष्ट्रवादी है, वो गौरव। अपने कॉलेज का याद आता है, करोड़ीमल में मैं था तो आप देखेंगे वहां पे
टीचर सब में वामपंथी कहलाने की एक ललक होती है और पूरा एक डिवाइड आपको दिखेगा इस इंस्टीट्यूट में। जेएनयू में बहुत ज्यादा है, डीयू में थोड़ा कम है, लेकिन है। हमारे रैना सर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर, वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव एनकाउंटर्ड। मतलब पूरी की पूरी क्राइम एंड पनिशमेंट उन्होंने 3 घंटे में समझा दी थी। इस तरह का अनुभव उनके पास है और आपके पास सवाल नहीं होंगे वो जब आपको पढ़ा देंगे उस तरह से। वो क्या करते थे कि कॉलेज में जब लाल चाय पिया करते थे और बीड़ी पीते थे, क्यों? क्योंकि वो वामपंथ का मतलब एक छवि है, सिंबल सिंबल। और उन्हें मैंने पार्टियों पे देखा, मालबोरो पी रहे वहां और वो कॉफी पी रहे। तो मुझे उनके मालबोरो और कॉफी से दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही चीजें वो अफोर्ड भी कर सकते थे और कॉलेज में भी कॉफी मुफ्त में उपलब्ध था। लेकिन वो लाल चाय पियेंगे नींबू वाली और बीड़ी पीते थे। ये वही है कि होने से ज्यादा प्रदर्शन जरूरी है, दिखाना जरूरी है, प्रोजेक्शन जो है। हमारे देश में कहीं ना कहीं देखिए, स्वतंत्रता के आंदोलन के टाइम देखिए, वामपंथ उस टाइम भले ही वो एक जायज थी, देश काल वातावरण के अनुसार कहिए तो जायज ठहराया जा सकता है, या वो वामपंथ उदारवाद समाजवाद वो आज की परिभाषाओं से तो बिल्कुल भी न था। लेकिन तभी से एक देश में थीम बन गई कि अच्छा वो है, वो वहां पे है तो वो पढ़ा लिखा ही होगा, वो अच्छा बोलता होगा, अच्छा सोचता होगा ये। और खुद ही लोग एक उदाहरण अगर दें तो कहते हैं लोग कि अगर एक टीनेजर वामपंथ की तरफ नहीं झुकता है तो अभी वो बच्चा नहीं है। नहीं, मैं सीधा उसको बोलूंगा कि बंगाल में कहावत है, इसमें एक अपशब्द भी आएगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा कि 30 साल तक अगर अब तुम वामपंथी नहीं हो तो चूतिए हो, और 30 साल के बाद रह गए तो चूतिए हो। दोनों शब्दों के लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन ये कहावत है उधर, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि आदमी जब यंग होता है तो उसको उसके भीतर डिबेटिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सवाल करना चाहता है। और आप सवाल करते हैं तो, और देखिए वामपंथियों की चालाकी कि सवाल करने के फंडामेंटल राइट को इन्होंने ऐसे घुमा के दिखाया है, ये सिर्फ वामपंथियों का डोमेन। दक्षिणपंथी सवाल कर ही नहीं सकता, मतलब आप सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट वामपंथी हो जाते हैं। इस तरह की भी मतलब जैसे आपने बताया ना कि गाय की हत्या को लेकर, और मतलब जितना नेगेटिव चीज है वो इन्होंने दक्षिण पंथ पे फेंक दिया, और जो भी पॉजिटिव चीज है जो भी, मतलब पहले तो है कि कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी का प्रोसेस का हिस्सा कैसे, तुम तो कम्युनिज्म चाहते हो ना भाई, तुम डेमोक्रेसी में कर क्या रहे हो, तुम्हारी तो कोई जरूरत है नहीं। वो अप्रस उसकी अब जरूरत ही नहीं, वो जानता उनका मन जानता है कि इसलिए ये चीज बिल्कुल नकार दी गई है, ये समाज से नकार दी गई है। इसलिए प्रासंगिक बने रहना सबसे बड़ा चैलेंज है असल में वामपंथी लिहाज के टाइम पे। तो क्या आप ये मानते हैं अब कि वामपंथ जो है एक तो बहुत ही क्रूर और हिंसक विचारधारा हो चुकी है, और क्रूर और हिंसक से मेरा मानना यह भी है कि सिर्फ बातों में नहीं, ये इनफैक्ट जितना नरसंहार हुए, चाहे आप ले आइए ना मौत से तुम से स्टालिन तक, और हर आदमी नरसंहारक रहा है, और वही बंगाल में हुआ है, केरल में हुआ है, नक्सली अभी भी कर ही रहे हैं, और यही हिंसा वैचारिक रूप में इनके तमाम आप डिबेटों में देख लीजिए, मूल ही वही है, हावी होना, हिंसक होना, और सबसे बड़ी बात मूल में वो होने कि दूसरे चीज के मैंने पहले भी कहा कि अस्तित्व को नकार देना, कुछ ऐसा तरीका अपनाना कि एक ही रहे और वो ही रहे, दूसरा किसी का अस्तित्व कुछ ना हो, उसे नकार दिया जाए। वही मौत से तुम से लेकर के कहीं 20वीं सदी के उस नरसंहार, भीषण नरसंहार से लेकर कहीं आज के टाइम पे हो रहे इसी विचारधारा के पीछे की स्टालिन, सब सारे लोगों ने वही किया है, उसको ये लोग जस्टिफाई करते रहे, नहीं वो तो जो है वो सत्ता के लिए संघर्ष था। अब किसके लिए संघर्ष है, अब तो लोगों द्वारा चुनी नहीं सकता है, तब किस बात का संघर्ष। हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग याद आता है कि क्रांति वीर को बस क्रांति चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, उसका उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्रांति चाहिए, प्रासंगिक बने रहने। आज एक नया टॉपिक भी आया कार्ल मार्क्स का, हमारी वेबसाइट पे भी है, पता चला है कि उनको एक मेड जो थी उसके द्वारा उन्हें एक संतान भी थी, लेकिन उसके बारे में कभी बताया नहीं गया, तो पब्लिकली स्वीकारा भी नहीं, स्वीकारा नहीं। अगर ये इतने बड़े लेवल के विचारक थे और 200 साल तो उनके जन्म हुए हो चुके हैं शहराज कली मार्क्स के, तो क्या इस पूरे अंतराल में एक भी दूसरा ऐसा विचारक पैदा नहीं हुआ
जिसने उसी मार्क्स पर सवाल किया हो कि तुम्हारे लिए ये अपनाना क्यों मुश्किल रहा। अगर मैं कहूँ तो हमारे उत्तराखंड में अगर एनडी तिवारी जी का उदाहरण लीजिए, उन्होंने 94-95 साल में ही सही, लेकिन उन्होंने स्वीकारा कि हाँ ये उनका पुत्र है। लेकिन मार्क्स के बारे में ऐसी बातें अब देखने को मिल रही है जिसके बारे में कभी वो उन्हीं विचारकों ने बात करना सही नहीं समझा, लॉजिकल नहीं समझा, या उसे मतलब या उसे बताने में उन्हें खुद ही लज्जा महसूस होती है। लज्जा महसूस होती तो क्यों होती है जबकि वो तो विचारक है, उदारवादी है। ये सभी चीजें अब बहुत बड़ा चर्चा को खत्म करना चाहूंगा ये करके कि पहले तो जैसे आपने लिखा है कि अपनी जो खामियां हैं, यहाँ पे जो थोप दी गई है खामियां, जो भी दक्षिणपंथी लोग हैं कि दक्षिणपंथी है तो ये मूर्खतापूर्ण बातें करेगा, इतिहास को लेकर बिना काम का खुश रहेगा, इतिहास में गलत चीजें भी उसके नेता ने कह दी है कि भाई हमारे यहाँ तो ये था, हमारे वहां तो वो था, तो उसके वैज्ञानिक पक्ष को देखे बिना बस हो करने लगते हैं। उस तरह की बातों को नकारना होगा और वामपंथियों को तो घेर घेर के उनकी विचारधारा का जो है जिस इंटेंसिटी से आए तो उसी इंटेंसिटी से जवाब देना सीखना होगा। हाँ, फर्जीवाड़ा नहीं कि तो गियासुद्दीन गाजी का बेटा था और फलाना नहीं, ये सब यही यही कारण है कि वो लोग सीरियसली फिर नहीं लेते। अब काफी समय के बाद ऐसा एक मोमेंट आया हिस्ट्री में कि आपकी विचारधारा प्रबल होनी शुरू हुई है और आपकी विचारधारा को चाहने वाले बहुत सारे लोग, तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात होनी चाहिए, ना कि फर्जी बातों पे कि गाय काट रहे हैं सारे मुसलमान गाय काट रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं, मुसलमान खुद परेशान है, चलो उसकी गाय जो है राजस्थान में गौ तस्कर जो है चुरा के भाग रहे हैं। तो तथ्य को तथ्य रख करके ही हमें उसके आगे बढ़ना, और इसमें हमें उतना ही सावधान होना होगा जितना कांग्रेस थी। हाँ, इतिहास को तय करने में, पढ़वाने में, छपवाने में विचारधारा हाँ, आगे बढ़ाने। ये बात ठीक है कि अगर इतिहास में आपके साथ नाइंसाफी हुई है, जैसे सावरकर की बात हाँ, नहीं पढ़ाई जाती है उस तरह की बात, ठीक है, तो वहाँ पे आप सही कीजिए जो गलत पर, ये मत कीजिए कि आप बायोलॉजी में वेद और मतलब ऐसी चीजें डाल दे रहे हैं और उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं दे रहे। बायोलॉजी में आप डाल सकते हैं जो भी आपका उपनिषद और ये है, लेकिन कम से कम आप सीरियसली उसकी विवेचना तो कीजिए। खाली आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं के पास तो अणु परमाणु सबकी बात पहले से कैसे थी, उसका क्या टेक्स्ट है, उसका क्या लॉजिक है, वो सारी बातें आपको रखनी है, तो कोई भी सीरियसली नहीं लेगा फिर आप। ये तर्क को कमजोरी करता है और जो रेजिस्टेंस है, जो वामपंथ से जो टकराव मिलेगा उसके लिए तो तैयार दक्षिणपंथ को रहना ही होगा, क्योंकि इनका इतिहास ही रहा है कि जल जब इनके दमन की कुछ कोशिशें हुई, दूसरी विचारधारा यही नहीं दूसरा कोई सबल होते हुए दिखाया, तो ये खुद को समेटने के बजाय और उग्र होते गए। ये इतिहास से हमें सीखना होगा, दक्षिणपंथ को अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी होगी। ये भी इसी तरह की और भी चर्चा लगातार हम लोग करते रहेंगे, और बिहार और उत्तराखंड से जो है पहाड़ी भाई से अब हम लोग इजाजत लेते हैं आपसे, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, जुड़े रहिए।